नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीरा के बारे में। नीरा क्या है और इसके क्या फायदे हैं? ताड़ और खजूर के वृक्ष से निकलने वाले ताजे रस को नीरा कहते हैं। इसमें शकरा, शुगर और खनिज लवण भरपूर मात्रा में मिलते हैं। यह पीने में मीठा और स्वादिष्ट है तथा इसको पीने से ताजगी आती है और मन खुश रहता है। दोस्तों, नीरा और ताड़ी में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ। नंबर एक, ताड़ और खजूर के ताजे रस को नीरा कहते हैं, लेकिन अगर आप इसे खुला रख दिया जाए तो इसमें अपने आप ही खमीरीकरण या किण्वन होने के चलते झाग और गैस निकलने लगती है। इस तरह नीरा कुछ देर के बाद ताड़ी में बदल जाता है। नंबर दो, नीरा पीने से जरा सा भी नशा नहीं आता है, लेकिन ताड़ी पीने से कुछ नशा जरूर आता है, क्योंकि खमीरीकरण के चलते इसमें लगभग 4% अल्कोहल पैदा हो जाता है। नंबर तीन, ताड़ या खजूर के ताजा रस में पुरानी ताड़ी का गार खमीर के रूप में मिला दिया जाए तो खमीरीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है और अल्कोहल भी 4% अधिक बढ़ता है। कुछ लोग इसी ताड़ी को मादक पे शराब के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं और करते हैं। नीरा स्वाद में मीठा होता है, लेकिन ताड़ी खट्टी होती है। ताड़ी की अपेक्षा नीरा में ताजे रस में जीवन निरुपयोगी तत्व अधिक होते हैं। नीरा में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। नीरा में जल 84.72%, कार्बोहाइड्रेट 14.35%, प्रोटीन 0.10%, वसा और 0.17% और खनिज लवण और 0.66% होता है। खनिज लवण के रूप में इसमें कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अधिक मात्रा में मौजूद होता है। इसके हर 100 ग्राम या 100 मिलीमीटर से 110 कैलोरी एलर्जी मिलती है। नीरा का विशिष्ट गुरुत्व 1.7 होता है, यानी सामान्य पानी से कुछ ही अधिक वजनी होता है। इसका पीएच मान 6.7 से 6.9 होता है, यानी यह ना अम्लीय एसिड होता है और ना ही क्षारीय। अब हम बात करेंगे नीरा की विशेषताओं के बारे में। नंबर एक, नीरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पोषण देने के साथ साथ रोग से छुटकारा दिलाने की अद्भुत क्षमता होती है। नंबर दो, किसी भी फल के रस से नीरा अधिक गुणकारी होता है। नंबर तीन, गन्ने की रस की तुलना में नीरा बहुत ही गुणकारी होता है, क्योंकि नीरा और गन्ने के रस में शक्करा की मात्रा 14.35 और 21.8% होती है तथा खनिज लवण की मात्रा क्रमशः 0.66% और 0.30% होती है। इसीलिए नीरा का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित है। नीरा के सेवन से न केवल टीबी से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि इस रोग के संक्रमण से भी बचाव होता है। नीरा इतना पौष्टिक होता है कि दोपहर के समय यदि स्कूली बच्चों को रोज एक गिलास नीरा पिलाया जाए तो उनकी आम खुराक में किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी को यह पूरा किया जा सकता है। इसके सेवन से बच्चों के वजन और लंबाई दोनों में वृद्धि होती है। सुबह के वक्त नीरा पीने से न केवल छोटी आंत की कृमि निकलता है, बल्कि दोबारा उत्पन्न होने से रुक सकता है। गर्भवती स्त्रियों द्वारा नीरा का सेवन करने से न केवल पैदा होने वाले बच्चे का रंग बहुत साफ होता है, बल्कि पैदा होने के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ भी और ठीक भी रहते हैं। यह खमीर और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अच्छा स्रोत है। नीरा के औषधीय गुण क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। नीरा पीने से पाचक रस की वृद्धि होने के साथ कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाती है, इसीलिए इसके सेवन से पेट संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। नीरा के सेवन से रक्त में हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, इसीलिए खून की कमी वाले मरीजों के लिए इसका सेवन गुणकारी है। पीलिया जॉन्डिस की यह बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। नीरा के सेवन से वजन बढ़ता है, इसीलिए यह दुबले पतले लोगों के लिए एक अच्छा टॉनिक है। यह मूत्रवर्धक पेशाब लाने वाला है और मूत्र मार्ग में होने वाली जलन को शांत करता है।
गुर्दे संबंधी रोग और आंख के रोगों से भी नीरा का सेवन बेहद ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। नीरा ताड़ी ना बने इसका उपाय किस तरीके से करें, इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ। ताड़ व खजूर के पेड़ को श्रावित रस को जमा करने के लिए रोज शाम सूर्य छिपने के ठीक बाद साफ पानी से अच्छी तरह से धुला हुआ मिट्टी का बर्तन ही पेड़ में टांगना चाहिए और रोज सुबह सूर्य निकलने के आधा घंटा पहले ही श्रावित रस को पेड़ से उतार लेना चाहिए। ज्यादा खुली हवा के संपर्क से बचाने के लिए बर्तन के मुंह को मोटे मोटे साफ कपड़े से अच्छी तरह बांध कर रखें। ऐसा करने से बीतते समय के साथ नीरा के अपने आप ही ताड़ी में परिवर्तन होने की प्रक्रिया बाधित होती है, साथ ही धूल और दूसरी किसी भी प्रकार की गंदगी से दूषित होने से नीरा बच जाता है। नीरा में ताड़ी या पुरानी ताड़ी की गाद नहीं मिलानी चाहिए, वरना नीरा जल्दी से ताड़ी बनने लगता है। नीरा के सेवन संबंधी सावधानियों के बारे में आपसे मैं बताना चाहती हूँ। पेड़ से उतारने के बाद नीरा पीने में ज्यादा देर ना करें, क्योंकि बीतते समय के साथ ज्यादा बाहरी हवा लगने से नीरा अपने आप ही धीरे धीरे ताड़ी में बदलने लगता है। अल्कोहल की मौजूदगी के चलते सामान्य मात्रा में ताड़ी से नशा होता है, लेकिन शराब जितना नहीं। यह बहुत ही अधिक मात्रा में ताड़ी पीने से शराब जैसा ही नशा आ जाता है, लिहाजा ताड़ व खजूर का ताजा रस यानी नीरा ही पीना चाहिए, ताड़ी नहीं। बात यह भी है कि मादक पेय होने के कारण ताड़ी पीना उचित नहीं है। यह टीवी की सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और सबसे अधिक कारगर दवा है। सच्चाई तो यह है कि नीरा या ताड़ी टीवी की अच्छी और सबसे अधिक कारगर दवाई है। टीवी के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली जितनी भी एलोपैथिक दवाई है, सब की सब नीरा के सामने बहुत ही कमतर साबित हुई है। यदि नीरा उपलब्ध ना हो सके तो लाचारी में टीवी के मरीज ताड़ी भी पी सकते हैं, लेकिन दो बार में 3 गिलास से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। रोज सुबह शाम डेढ़ डेढ़ गिलास ताड़ी पीने से ही 2-3 महीने में टीवी के मरीज बगैर कोई एलोपैथिक दवा लिए ही चंगे हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने नाते रिश्तेदारों में शेयर करें। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार।